हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल D2R स्टडी में। दोस्तों आज है वीडियो लाओ, इससे बताओ दोस्तों पीरियोडिक टेबल का जो बहुत सारा इंपॉर्टेंट नियम है, इसको मैं चला आज पीरियोडिक टेबल का मैं शुरुआत करूंगा। इससे जितना नियम रहेगा इसमें कैसे गुण परिवर्तन होगा सबको डिस्कस कर लेंगे पार्ट बाई पार्ट। तो सबसे पहले शुरुआत करते क्या एवोगाड्रो का नियम जो खत्म हो गया। आज शुरुआत करते दोस्तों डोबरेगर का त्रिक नियम, जो सबसे पहले है जो पीरियोडिक टेबल का खोज हुआ है, सबसे पहले नियम दिए थे। इनको नियम को देख लेते हैं कैसा नियम करता है। तो ये वो क्या है डोबरेगर के त्रिक नियम। डोबरेगर सबसे पहला बात है कि डोबरेगर जो वैज्ञानिक थे जो जर्मन के वैज्ञानिक थे, क्या था जर्मन रसायनिक डोबरेगर, जर्मनी के वैज्ञानिक थे इसलिए जर्मन रसायनिक भी कहा जाता है। क्या है दोस्तों डोबरेगर, डोबरेगर के त्रिक नियम पढ़ना है। त्रिक समझ सकते हैं तीन वगैरह। ये तो डोबरेगर का जो त्रिक नियम है यार, समझ सकते डोबरेगर का जो त्रिक नियम है जो, तो ये 1829 में दिया गया था। क्या दिया था 1829 में डोबरेगर जो थे, जो सबसे पहले तो क्या बताए थे जो तत्व का ये क्या था त्रिक बनाए थे। त्रिक मतलब को तीन को जैसे कि रहता है बॉक्स बनाए थे और उसमें तीनों तत्वों को सजाया थे। और कहते थे क्या यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु बाहर के क्रम में सजाएंगे ना, तो जो तत्व को जो दो तत्व है तो दो तत्व का परमाणु द्रव्यमान का औसत मतलब उसको जोड़ के दूसरे भाग दीजिएगा तो बीच वाला तत्व का परमाणु अशुद्ध बराबर आ जाएगा। नहीं समझे, जब तत्वों को बढ़ते परमाणु बाहर के क्रम में सजाया जाए तो किनारे वाले तत्व के परमाणु भार का औसत बीच वाले परमाणु भार के बराबर होगा। यानी कब दो तत्वों के किनारे वाले जो तत्व उसको जोड़ के दूसरे भागा दीजिएगा तो बीच वाले तत्व के भाग के लगभग बराबर आ जाएगा। और एक और बात बताया, ये जो बराबर आ रहा है और सही में दोनों तत्व का जो गुण होगा किनारे वाले तत्व के गुण होगा बीच वाले तत्व के लगभग मिलेगा भी। ये बीच वाला तत्व रहेगा तो दोनों के बीच में उसका गुण रहेगा। जैसा करके इसको लिख लेता हूं सबसे पहले क्या रहेगा, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भार या बोल दीजिए परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो किनारे वाले तो मैं दो मैं तीन त्रिक ले लिया हूँ त्रिक और उसमें दो तत्व को मैं जोड़ रहा हूँ तो उसके बीच तत्व बढ़ा जाएगा क्या उसका भार, तो क्या है सजाए तो तत्व तो सजाया जाए तो क्या हो जाएगा किनारे वाले दो तत्व का परमाणु भार का औसत, औसत मतलब एवरेज, जोड़ों को जोड़िए जो दो से भाग दीजिए औसत बीच वाले तत्व। ये सब क्या है, सब क्या लग रहा है त्रिक पर लग रहा है, जो का नियम नहीं है त्रिक का नियम है बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। ठीक है देखिए त्रिक का नियम कहता क्या होगा, इसका एक और जो बीच वाले तत्व का जो गुण रहेगा जो उसका प्रॉपर्टी रहेगा वो दोनों तत्वों के बीच में ही रहेगा। जैसा कि देखिए इन्होंने ऐसे देखिए बनाए थे, ऐसे बॉक्स बनाए थे लिथियम सोडियम पोटासियम, कैल्शियम था दोस्तों कैल्शियम था दोस्तों, एक स्ट्रेंशियम था दोस्तों, एक बैरियम था। और ये दोस्तों क्या था फ्लोरीन और क्लोरीन था और ब्रोमीन था। दोस्तों यार यही नहीं मिल जाएगा यहाँ पे क्या लगा, क्लोरीन को सबसे पहले किनारे रखे थे, ब्रोमीन था आयोडीन। अब इसका दोस्तों परमाणु द्रव्यमान होगा क्योंकि जो नियम लगा आपसे पास पूछेगा कि डोबरेगर का नियम किस लगा परमाणु द्रव्यमान, जो सब नियम आए थे परमाणु द्रव्यमान, लेकिन एक ऐसा नियम आएगा आपको जो परमाणु संख्या पर था वही एक सक्सेस हुआ। ये सब परमाणु द्रव्यमान पर थे, क्लोरीन का परमाणु कितना जाएगा
पैंतीस पॉइंट फाइव आ जाएगा दोस्तों, यहाँ क्या दोस्तों ब्रोमीन हो जाएगा, तो ब्रोमीन का दोस्तों कितना जाएगा, इसका क्या जाएगा एक सौ, दोनों को जोड़िएगा दोस्तों तो कुछ बीस में आ जाएगा दोस्तों। क्या दोस्तों कैल्शियम, तो कैल्शियम का दोस्तों कितना होता है चालीस, और स्टेशन कितना दोस्तों अठासी, आइए दोस्तों इसको कितना जाएगा दोस्तों एक सौ सैंतीस हो जाएगा। ठीक है, आप दोस्तों क्या लिथियम दोस्तों, लिथियम का कितना दोस्तों बता रहा, आपको सब बता देगा दोस्तों कि कितना होता है लिथियम का, सोडियम का, पोटासियम का, आपको सब एक एक करके बता दिया गया है। इसका दोस्तों सोडियम का दोस्तों तेईस आ जाएगा, लिथियम का दोस्तों लिथियम सोडियम पोटासियम हाइड्रोजन, देखिए बता देगा हाइड्रोजन, लिथियम का दोस्तों क्या जाएगा क्या सात जाएगा, इसका सात हो जाएगा, लगा इसको सात ही मानिए। अब ये जो ट्रिक वाला है अब उसको बता वो क्या काम करना है, इस सब को दोस्तों क्या बताएगा, जो किनारे वाले जो तत्व है उसको दोस्तों जोड़ दीजिए, क्या उसका परमाणु भार को जोड़ कर दोस्तों भागा दीजिए, जैसे देखिए चालीस और सात को जोड़िया और दो से भागा दीजिए, क्या जाएगा छियालीस आ जाएगा, दो से भागा कुछ कुछ को देखिए आ जाएगा, देखिए तेईस आ गया, तो बी देखिए दोनों वाला तत्व का परमाणु को जोड़ा हूँ तो बीच वाला का आ गया, इसी तरह से इसको भी जोड़ देख सकते आ जाएगा, देखिए रहेगा ठीक है, सात आ जाएगा, एक कह दोस्तों तेरह चार सत्रह, दूसरे भागा दीजिए दोस्तों कितना आ जाएगा, दूसरे का जाएगा आठ बार में दोस्तों, एक बच गया दोस्तों, ये भी कर जाएगा आठ बच जाएगा पांच, यानी के भी देखा अठासी का लगभग आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब दो किनारे वाले तत्व को जोड़ रहे हैं और दो से भागा दे रहे हैं, यानी कि परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्व के लगभग बराबर आ रहा है, तो यही बताया था डोमेन है। और एक और बात, ये जो बीच वाला बता तो आ गया, लेकिन स्ट्रेंथियम का जो गुण होगा ये कैल्शियम और बैरियम के बीच में ही होगा, ये जो सोडियम का जो गुण होगा लिथियम और पोटासियम के बीच में ही गुण पाया जाएगा, इसको भी जोड़कर देख लेंगे दोस्तों, ब्रोमीन का निकालना है तो किनारे वाला का एक आ गया तो पैंतीस पॉइंट फाइव आ जाएगा, पर इसमें क्या आएगा दोस्तों इसका इसको जोड़ लीजिए दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों, बटा दोस्तों भागा दीजिए तो कितना आएगा सात पाँच बारह जाएगा, तीन तीन दो पाँच एक कितना बची है पाँच, दूसरे भागा लीजिए तो कितना जाएगा, ठीक है आठ इक्यासी तो आ जाएगा, इक्यासी पॉइंट मान लीजिए कितना आ जाएगा इक्यासी पॉइंट ऐसे आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, मारे इक्यासी तो लगभग तो आ रहा है ना, तो इसका अर्थ क्या हुआ किनारे वाला कोई भी तत्व है उसको दो परमाणु को जोड़ दीजिए, दो से भागा दीजिए बीच वाले में आ जाएगा, और इसके साथ साथ ये जो ब्रोमीन का जो है इसका गुण होगा जो क्लोरीन और आयोडीन के बीच में रहेगा, यही बस ज्यादा डोमेनर का जो बड़ा नियम नहीं था इसके बारे में आएगा उससे बड़ा बड़ा रहेगा, तो बस इसका यही नियम इसलिए इस वीडियो का लाया हूँ ताकि इसमें आपको नुकसान नहीं होगा, तो बस कुछ नहीं बस दो किनारे वाले तत्व को जोड़ दीजिएगा तो बीच वाला आ जाएगा, और जिसका जो गुण नहीं होगा दोनों के बीच में ही होगा, तो ये कहते हैं डोमेनर जो 1829 में दिए थे और एक जर्मन रासायनिक थे, क्या थे ऐसे भी रहेंगे अभी बताइएगा, जर्मन रासायनिक डोमेनर। तो दोस्तों मैं आपको बताया था दोस्तों हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा है, हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों, और हमें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले ऐसे वीडियो आएगा और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, और अभी तक हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो आप तक आ सकेगा, दोस्तों इस वीडियो का इंतजार करिएगा ऐसे नियम लाऊंगा पीरियड टेबल का, चलिए इंतजार करिए, तो जय हिंद जय भारत।